Assalamualaikum dear students, मैं हूँ हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com YouTube channel. CS606 की previous जो मैंने कल live solution बनाया था वो किसी वजह से उसकी screen जो है वो आप लोगों के साथ share नहीं हो सकी. तो अभी मैं आपको फिर उसका shortcut way बता रहा हूँ जी. आपने simply क्या करना है कि ये हमारी assignment है. आपने मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है. मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा. ये लिंक है जी आपके पास. यहाँ पर ये मैंने कोड आपको दिया हुआ है. ये देखें, ये कोड है इंक्लूड स्ट्रीम वाला. ठीक है, ये सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है. कॉपी करके ना डेव सी प्लस प्लस में पेस्ट कर लेना है. ये आपके सामने कोड है, ये सारा पेस्ट किया हुआ है मैंने. कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी. और इसको आप अगर कंपाइल करेंगे ना तो ये आपको ज़ीरो एरर देगा कि इसमें किसी किस्म की कोई एरर नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका डेव सी प्लस प्लस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. उसके बाद आपने प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी में चले जाना है और अपनी असाइनमेंट में जो लिखा हुआ है, यानी उसी फोल्ड जहां पर आपने लेग्स डॉट सी पी पी बनाया हुआ है ना, उसी के साथ आपने एक नई फाइल बनानी है. और उसके अंदर वो कोड जिसका हमने लेक्सिकल एनालिसिस करना है ना, उस कोड को आपने ला के कापी पेस्ट करके और सेव का बटन दबा कर इसको नाम आपने इस तरह करके देना है कि प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी. इस तरह खुद लिखना है आपने साथ में ना, प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी. ठीक है, इस तरह आप इसको सेव करेंगे ना तो ये फाइल जो है वो आपके पास ये सेव हो जाएगी. सिंपली ये आपके पास फाइल सेव हो जाएगी. उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको रन कर देंगे. कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी सेटिंग की हुई है कि ये रूट पे जाएगा और प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी को रीड कर लेगा. अब आपने इसे रन करना है. ये देखें जी, मैं रन करूँगा तो आपके पास पूरी ये लिस्ट जो है ना वो आ गई है कि एक्स वाई जो है वो आइडेंटिफायर है, इक्वल जो है वो ऑपरेटर है, 57 आइडेंटिफायर है, नम जो है ये आइडेंटिफायर है. और इसको आपने यहाँ पर जो है ना वो फिल कर लेना है. एक तरीका तो इसका सिंपली ये है. और दूसरा तरीका इसका ये भी है कि जी आपने करना इसमें क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर. ये देखें, ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक नेट के ऊपर पड़ी हुई है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है सी और सी प्लस प्लस का, ये बेसिकली प्रोग्राम के तमाम टोकन्स को अलहदा अलहदा करता है और उनमें से कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट्स को जो है ना वो सेपरेट कर लेता है. जिस तरह ये देखें, ये एक स्टेटमेंट है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कॉलन. तो इसमें आपका सी जो है ये आइडेंटिफायर है जिसे आप वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, बेसिकली वेरिएबल जो होता है, जो चीज़ डिक्लेयर की जाती है ना उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं. यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं या फिर जो है ना वो लैंग्वेज के अपने आइडेंटिफायर होते हैं. ये इक्वल ऑपरेटर है, ए जो है ये फिर एक आइडेंटिफायर है आप इस, और इसी तरह आपके पास प्लस जो है ये ऑपरेटर है, बी भी आइडेंटिफायर है. यानी इस तरह अगर आप चाहें तो ख़ुद भी इसका बना सकते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है वाइड एक्स वाई आइडेंटिफायर इक्वल ऑपरेटर से 57 कॉन्स्टेंट. ठीक है, कॉमा जो है ये सेपरेटर है, नम जो है ये मैंने इस हिसाब से लिखा हुआ है जो हमारे पास, यानी आप अपनी सेंस के मुताबिक भी इसे कर सकते हैं सिंपली. ठीक है, जैसे आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो रिजर्व वर्ड है, नम जो है ये भी आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है, रिटर्न भी रिजर्व वर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है, रिटर्न फिर कीवर्ड आ गया, नम फिर आइडेंटिफायर आ गया. ठीक है, और सेमी कॉलन. तो ये चीज़ें आपने सिंपली यहाँ पे लिख के भेजनी है. तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि जी आप प्रोग्राम को रन करें और उसके थ्रू इसकी आउटपुट जनरेट कर लें और उसको आप टेबुलर फॉर्मेट में लिख दें. एक तरीका आपके पास ये है. दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप अपनी सेंस के मुताबिक भी इस टेबल को जो है वो देख सकते हैं और इसे जो है ना वो बना सकते हैं. कल वाला सलूशन भी यही था, लेकिन वो सॉरी कि वो जो है ना सही तरह से अपलोड नहीं हो सका. क्योंकि लाइव गया था तो मैंने ये देखा ही नहीं कि स्क्रीन जो है वो उसकी स्टक हुई हुई है. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.